गुड इवनिंग मित्रों, मैं बीएन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बीएन शर्मा। मित्रों, मैं आपको यूपी टेट 2019 में होने वाली परीक्षा के लिए 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं। मित्रों, आप वीडियो को अंत तक देखें और आप कितना स्कोर करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल एजुकेशन हब विद वीएन शर्मा सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आपसे अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, बिना देरी किए हुए शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर एक। जिन वर्णों के क्वेश्चन पहला है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है वे कहलाते हैं। ए कंठ, बी तालव्य, सी दंतय और डी मूर्धन्य। तो मित्रों, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जो ऊपर के दांतों को टच करती है वो दंतय कहलाते हैं। त वर्ग के सभी वर्ण जो हैं वो दंते में आते हैं। इसके बाद कंठ में सभी स्वर व कवर्ग, और विसर्गों का स्थान जो वो कंठ होता है। तालब ई और ई दोनों, ई छोटी और बड़ी, और बाद चवर्ग का जो उच्चारण स्थान वो तालब्य होता है। मूर्धन में टवर्ग आता है। मित्रों, जो टवर्ग के अंतर्गत पांच वर्ण आते हैं वो मूर्धन्य होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो है, ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है। तो मित्रों, इसका ए ऑप्शन है जा प्लस वा, जा प्लस या बी आंसर जो है वो जा प्लस वा है, फिर जी वो सी सॉरी सी जो है वो जा प्लस धा है, फिर डी प्लस जा प्लस न्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो ए होगा, ए इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर तीन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए आंसर होगा शब्द, वी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। मैंने जो वर्ण विचार वीडियो डाला था उसमें बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है, क्योंकि जो इसको जो है वो खंडित नहीं किया जा सकता है, ना इसके तोड़ा जा सकता है। वर्ण जो आधा होता है मित्रों, और इन्हें फिर अगला है चार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। ए तीन, बी चार, सी पाँच और डी छः। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो पाँच होते हैं मित्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच है, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द है उसे बताइए। ए ऑप्शन जड़ता, बी घटना, सी बुढ़ापा, डी दया। तो राइट आंसर मित्रों इसका हो जाएगा वो सी बुढ़ापा, क्योंकि बाकी जो सब हैं घटना हो गई, दया आ गई, जड़ता आ गई, और सी जो है वो बुढ़ापा आ गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पाँच का सी। क्वेश्चन नंबर छः है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं होता तो बे विकारी शब्द मित्रों अव्यय कहे जाते हैं। इस छः का भी सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। जिनमें लिंग वचन और पुरुष कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो वे विकारी शब्द जो हैं वो अव्यय कहे जाते हैं मित्रों। साथ में है, निम्न में कौन से अयोग वाह हैं। नासिक, अल्पप्राण, स्पर्श और विसर्ग। तो विसर्ग व्यंजन जो होते हैं, विसर्ग वर्ण जो होते हैं वो अयोगवाह कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, अनुनासिक का संबंध होता है। ए नाक और मुंह, बी केवल नाक, सी केवल मुंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। आठ का ए इज राइट आंसर होगा। नौ में मित्रों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। नौ जो है वो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। ए 39, बी 25, सी 33, डी 52। स्पर्श
व्यंजन जो मित्र होते हैं वो पांच वर्गों में होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में चाहे वो का वर्ग हो चाहे चा वर्ग हो पांच वर्ण होते हैं। तो पांच वर्गों में और पांच वर्ण, तो 5×5=25, यानी स्पष्ट व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। इसके बाद मित्रों निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है ए, तुम, बी, आप, सी, हम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो वी जो इसका है मित्रों वो राइट आंसर हो जाएगा, आप है वो निजवाचक के लिए प्रयोग होता है। 11 नंबर है जिन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है उसे बताइए, जाति मतलब पूरी जाति का जिन शब्दों के द्वारा बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं, ए, विद्यालय, वी, नदी, सी, मोहन, डी, दुख। तो इसमें वी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नदी जो है वो यमुना, गंगा, भागीरथी, बेतवा सभी नदियों को बता रही है, तो नदी जाति का वर्णन कर रही है। इसके बाद मित्रों 12 है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, ए, जातिवाचक, बी, भाववाचक, सी, द्रव्यवाचक, डी, व्यक्तिवाचक, डी, व्यक्तिवाचक। तो स्त्रीत्व शब्द में मित्रों वी आंसर इज राइट होगा, भाववाचक संज्ञा है। नीचे मित्रों मैंने आंसर्स दिए गए हैं, आप इनसे मिला सकते हैं ऊपर दिए हुए। एक मित्रों थोड़ी सी कंप्यूटर से सेट करते समय बारह नंबर जो है विकल्प उसका ए लिख गया है, लेकिन राइट आंसर इसका जो वी है भाई भाववाचक, तो यहाँ पर आप बी कर लेंगे। चैनल को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।